बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। 10th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आज हम इंशाल्लाह अपना सेकंड आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि 1897 में जे जे थॉम्सन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं अगर उनको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाए तो वो डिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि वो स्ट्रेट ट्रेवल करने की बजाय किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड हो जाते हैं। तो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जे जे थॉम्सन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्हीं पे बेस करता हमारा ये आज का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे चार्ज किस तरह का होता है, उसकी नेचर किस तरह की है, इस तरह की प्रॉपर्टीज के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उन पे बेस करता हुआ हमारा ये आज का टॉपिक होगा। तो इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हमें कंप्लीट सेटअप रिक्वायर होगा उसमें सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रॉन गन। ये डायग्राम आपने प्रैक्टिस करनी है, बनानी है, आपकी टेक्स्ट बुक पे डायग्राम मौजूद है। इलेक्ट्रॉन गन में बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जैसा कि इसके नाम से जाहिर है इलेक्ट्रॉन गन, टेक्निकली इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन बीम रिलीज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन गन इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। इस पूरे सेटअप में जो इलेक्ट्रॉन गन लगाई जाएगी उसका बेसिक मकसद ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम रिलीज होगा उसकी प्रॉपर्टीज को ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें, डिस्कस कर सकें। अब इस इलेक्ट्रॉन गन के कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले अगर इस डायग्राम में आ जाए तो लेफ्ट साइड पे आपको ये सप्लाई नजर आ रही है, पावर सप्लाई। याद रहे दो लाइंस जो हम ड्रा करते हैं, एक बड़े लाइन के साथ प्लस का सिंबल और स्मॉल लाइन के साथ नेगेटिव का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों लाइंस बैटरी को या सप्लाई को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है बेटा? तो यहां पर भी ये दो लाइंस आपको नजर आ रही है, पावर सप्लाई है, जहां से हमने करंट देना है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि करंट की मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवा सकते हैं किसी भी मेटल को गर्म करके। इस सप्लाई के साथ हमने एक फिलामेंट लगाया है। फिलामेंट आप समझ लें कि जो हम घरों में बल्ब इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी सेवर की बात नहीं कर रहा, बल्ब के अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, उसे फिलामेंट कहते हैं। हम अक्सर इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करते हैं घर में, उसमें भी स्प्रिंग लगा होता है, उसे भी फिलामेंट कहते हैं। तो ये हमें एक स्प्रिंग की तरह का एक फिलामेंट नजर आ रहा है, ठीक है, इसे हीटेड फिलामेंट कहा गया है क्योंकि ये हीटअप होगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। बेसिकली ये सारा फंक्शन इस हीटेड फिलामेंट का है। ये गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसको गर्म करने के लिए हमें पावर सप्लाई की जरूरत है, ठीक है। और ये फिलामेंट किस मेटल का बना हुआ है? टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ है। मैंने आपको पिछले टॉपिक में टंगस्टन का जिक्र किया था। तो टंगस्टन एक हाईली हीट सेंसिटिव मेटल है कि जो हीटअप होने के बाद फौरी तौर पर इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी तादाद में रिलीज करना शुरू कर देती है। 6 वोल्ट की बैटरी यूज की गई है जो 0.3 एम्पीयर करंट प्रोड्यूस करेगी और उसके नतीजे में इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी कि ये स्प्रिंग जो है वो जलना शुरू कर देगा, बिल्कुल बल्ब की स्प्रिंग की तरह, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स एक बीम की फॉर्म में रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। ये ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स हमने बनाए हैं, अमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स लिखा है इसके साथ। नेक्स्ट आ जाए तो ये आपको कुछ लाइंस नजर आ रही हैं। बेसिकली ये भी पावर सप्लाई है, क्योंकि लाइंस ज्यादा है तो ये हाई वोल्टेज पावर सप्लाई है, ठीक है। इसमें बड़े वाले लाइन के साथ प्लस और स्मॉल लाइन के साथ नेगेटिव यूज किया है। तो प्लस जो सा है वो जो एनोड कह लें इसका, जो पॉजिटिव टर्मिनल कह लें इसको आप, इसको अटैच किया गया है इस सिलेंड्रिकल एनोड के साथ। ये प्लस का साइन मैंने बनाया है, ये एनोड है। बेसिकली ये जो फिलामेंट है ये कैथोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कैथोड रेज निकलेंगी यहां से, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल, सिलेंडर नाम है, बिल्कुल गोल है, ये अंदर से खाली है, ठीक है जी। तो ये सिलेंड्रिकल एनोड है जिसके साथ हाई वोल्टेज पॉजिटिव जो है वो पोटेंशियल अटैच किया गया है, अ हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ सेवरल थाउजेंड अप्लाइड टू दी सिलेंड्रिकल एनोड। ऐसा क्यों किया गया? ताकि एनोड
जो कि हाई वोल्टेज होगा, सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स होंगे उसके ऊपर, बड़ी तेजी के साथ नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींचे, ये उनको एक्सेलरेट करेगा, उनकी स्पीड को बढ़ाएगा। शुरू में जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो बिखरे हुए हैं, शैटर्ड हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाएंगे वो क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस एनोड की वजह से जिसके ऊपर हाई वोल्टेज मौजूद होगा। आगे एक सुराख है, उस सुराख में से इलेक्ट्रॉन्स एक बीम की फॉर्म में, एक श्वा की फॉर्म में बाहर निकलेंगे, और ये पूरे का पूरा सेटअप कहां लगाया जाएगा, इनसाइड द ग्लास ट्यूब, जिसे हम सिंपली एक डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड ट्यूब भी कह सकते हैं। यदि फर्दर इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज विच आर अंडर डिस्कशन। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम जो इलेक्ट्रॉन गन ने प्रोड्यूस किया है, अगर उस बीम के अतराफ, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाए, तो ये बीम किस किस्म की इफेक्ट जो है उन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से शो करेगा। टेक्निकली हमारा एक्चुअली टॉपिक यही है। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के असरात चेक करते हैं कि उस बीम के ऊपर क्या होंगे। सपोज वी हैव एन ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, उसकी एक साइड पे कैथोड और एक साइड पे एनोड है। टेक्निकली इलेक्ट्रॉन गन बीम एट कैथोड, जब इसको ऑन करेंगे इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होना शुरू होंगे और एनोड की तरफ जाने चाहिए। लेकिन अगर हमने दो प्लेट्स, प्लेट पी वन एंड प्लेट पी टू, पी वन इज अ पॉजिटिव प्लेट एंड पी टू इज नेगेटिव प्लेट, क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्लेट पी वन पे पॉजिटिव चार्ज और प्लेट पी टू पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इन दोनों प्लेट्स को बीम के पैरेलल रखते हैं, ये बीम गुजरेगा बीच में से, ये प्लेट्स उसके पैरेलल है ऊपर नीचे, ठीक है, तो क्या होगा, हम नोट ये करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि बजाय कि ये बीम एनोड की तरफ स्ट्रेट ट्रेवल करे, ये थोड़ा सा झुकता है, बेंड होता है, डिफ्लेक्ट होता है, किस तरफ, पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ, ठीक है, जिससे क्या चीज जाहिर होती है, पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन के बीम को अट्रैक्ट कर रही है। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स कैरी सम चार्ज, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, एंड वी आल्सो नो दैट नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव प्लेट, अ पॉजिटिव बॉडी। तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये उस तरफ बेंड होगा। अब ये डिफ्लेक्शन कितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम यहां पर क्रिएट करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज कम था, तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा और उसके नतीजे में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो डिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बेंड पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट चेक करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। हमें पता है किसी भी मैग्नेट की टू साइड्स होती हैं, नॉर्थ और पोल, नॉर्थ पोल होता है और एक उसका साउथ पोल होता है। यहां पे हमने इस्तेमाल करना है एक हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट देखने में आपको इस तरह नजर आएगा, यू शेप में, हॉर्स के शू की तरह, उसकी एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ कहलाएगी। जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होती हैं, जो मैग्नेटिस में से जो लाइन्स निकल रही हैं, जो श्वाएं निकल रही हैं, उनको आप मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहते हैं। उसके लिए मेथड टेक्निक ये है कि दीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसलिए मैंने वो एरोज बनाए। चैप्टर नंबर 15 में हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर, सपोज कर लेंगे डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके ऊपर हमने हॉर्स शू मैग्नेट इस शेप में रखा है, इस तरह से, ठीक है, तो ये ट्यूब दरमियान में है, तो इसका मतलब है कि बीम भी दरमियान से गुजरेगा फिर। तो ये ट्यूब या बीम उस मैग्नेट के दोनों पोल्स के एतवार से 90 डिग्री पे होगा, 90 के जाविये के ऊपर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम कैथोड या इलेक्ट्रॉन गन को ऑन करेंगे, करंट देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंगली वो बेंड हो रहे हैं बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्या था, नॉर्थ पोल था, यानी कि इस तरह ये नॉर्थ पोल है ऊपर की तरफ, ये सपोज कर ले थंब नॉर्थ पोल है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जाने की बजाय इधर टर्न हो रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ पोल।
अगर मैं नॉर्थ पोल को चेंज करता हूं उस तरफ लेके जाता हूं तो यही इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जाने के बाद इस तरफ मूव करेगा, ये जो बीम है स्ट्रेट ट्रेवल करने की बजाय इस साइड पे डिफ्लेक्शन होगी। तो मतलब ये है कि मैग्नेट की साइड्स को चेंज कर देने से डिफ्लेक्शन ऑफ बीम जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। ले स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को यहां पर वाइंड अप करते हैं। तो उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। आप थारोली इस पूरे टॉपिक को एज इट इज जिस तरह आपकी टेक्स्ट बुक पे मेंशन है इसको प्रीपेयर करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हुए आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आसान वे में आपको दोबारा से इसको गाइड कर दूं। अल्लाह हाफिज़।